गुरुवार को नए साल के पांचवें दिन कांग्रेस ने नया साल नई सरकार के नारे के साथ संकल्प यात्रा निकाली। कसरावत विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कसरावत नगर में कांग्रेस कार्यालय विश्वास जिनिंग से संकल्प यात्रा शुरू हुई, जो शीतला माता मंदिर चौराहा, कुशवा मोहल्ला, राम मंदिर चौक, सनी चौपाटी, विजय स्तंभ, इंदौर रोड, छोटा नाका के पास पहुंचकर समाप्त हुई। समापन के दौरान राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत गाकर सरस्वती माता, इंदिरा गांधी और सुभाष यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। कांग्रेस कार्यालय पर समापन किया गया, जहां समापन के दौरान एक आम सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक एवं मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो महंगाई से त्रस्त न हो। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महिलाओं एवं बच्चियों पर अत्याचार और अपराध के ग्राफ में मध्य प्रदेश लगातार 4 साल से पहले नंबर पर है। भाजपा के कुशासन के खिलाफ अब जनता परिवर्तन चाहती है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। क्या अभियान है और क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज हम सभी साथी नया साल नई सरकार का संकल्प लेने के लिए यहाँ पर सब साथी एकत्रित हुए हैं और सभी साथी जो है इस संकल्प के साथ में कि आने वाले समय में 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे यहाँ पर एक नई सरकार हम लोग का निर्माण हम लोग करेंगे। नई सरकार जो है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग बिठाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से आज इस 18.5 साल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं और इन 18.5 सालों में आज जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश है और प्रदेश के लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, प्रदेश के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है और जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न चीज़ों पर जो विफल हुआ है, ये सारे चीज़ें लेकर के हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को सारी जानकारी देंगे और लोगों को बताएंगे कि ये 18.5 साल एक लंबा समय होता है जिनको शासन करने का मौका मिला और इस 18.5 साल में इस मध्य प्रदेश के लोगों को क्या मिला। इस मध्य प्रदेश के लोगों को किसानों की आत्महत्या के मामले में प्रदेश को नंबर वन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में, यौन शोषण के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, शिक्षा का जो स्तर है वो स्तर किस प्रकार से जो गिरा है, स्वास्थ्य का जो स्तर है, किसानों की हालात हो, नौजवानों की हालात हो, बेरोजगारी की जो स्थिति है, महंगाई की जो हालात है, ये तमाम मुद्दों, तमाम विषयों को लेकर के हमारे सभी साथी जनता के बीच में जाएंगे और इस संकल्प के साथ में कि आने वाले समय में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।